सभी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए, सब उसका बहिष्कार कीजिए। गुरुवार को रिलीज हुई दोनों ही फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बड़ा झटका लगा है। ओपनिंग डे पर ही दर्शकों के लिए तरसी ये दोनों फिल्में 2300 शो शुक्रवार को कैंसिल कर दिए गए। आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों ही सुपरस्टार की फिल्मों को देखने के लिए दर्शक पहले दिन बेहद कम संख्या में पहुंचे। 11 अगस्त को जहां सिनेमा घरों में लाल सिंह चड्ढा की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी 15-20% थी, वहीं रक्षाबंधन के लिए आंकड़ा 10-12% का ही था। इसका असर दोनों की फिल्मों की कमाई पर हुआ। अब खबर है कि देश भर के कई सिनेमा घरों ने दर्शकों की कमी को देखते हुए लाल सिंह चड्ढा के 1300 शो और रक्षाबंधन के 1000 शो कैंसिल कर दिए। थिएटर मालिकों के लिए ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी दोनों फिल्मों को रिलीज हुए सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि थिएटर के सामने माइक लगाकर एक शख्स लाल सिंह मूवी को न देखने की अपील करने में लगा है, और सबसे यही अपील कर रहा है कि वो लाल सिंह चड्ढा मूवी बिल्कुल भी ना देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहा है। जो भी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए, सब उसका बहिष्कार कीजिए। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ने ओपनिंग डे पर 11.5 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि रक्षाबंधन की हालत और टाइट है। अक्षय कुमार की फिल्म पहले दिन सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए कमा पाई। सूत्रों के हवालों से माने तो बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के कारण सिनेमा मालिकों ने लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों फिल्मों के शोज कम कर दिए। दोनों फिल्मों को गुरुवार को देश भर में 10,000 शो के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन दोनों ही फिल्मों के पहले दिन की कमाई उम्मीद से कम रही। दोस्तों, आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा को इस तरह से बायकॉट करने पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सबसे पहले धन्यवाद।